यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह एक दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तर पर बैठक कर गंगा पार और यमुना पार पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हम लोग 2022 विधानसभा चुनाव में उन्हीं चेहरों को तरजीह देंगे जो लोगों के बीच लोकप्रिय होंगे और अच्छे काम की वजह से जाने जाते होंगे। ऐसी जगहों पर हम किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। देखिए, पार्टी का अपना एक सिस्टम है, जनता के बीच में लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकारता और संगठन के प्रति समर्पण, इस भावना के अंतर्गत सभी लोगों का विचार होता है और संसदीय बोर्ड इस पर निर्णय लेता है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री और जमीयत उलेमा ए हिंद महमूद मदनी गुट के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना सिद्दीक उल्लाह के विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम के कारण मशहूर देवबंद के दौरे को भी यूपी के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी को बुरी तरह शिकस्त देने वाली ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ मजबूत करने में जुटी हुई हैं। ममता सरकार के मंत्री के देवबंद दौरे को ओवैसी की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। वाराणसी में रोडवेज चौकी इंचार्ज मोहम्मद सुफियान खान है। वह एक वीडियो में बाबा विश्वनाथ की कसम खाकर ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। यही नहीं, चौकी इंचार्ज ने वीडियो में बाबा विश्वनाथ की नगरी को स्वच्छ बनाने की बात भी कही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेहतर ही होगा कि आप बैक हो जाओ, सुधर जाओ। हर हाल में ये रोड साफ रहेगा तो रहेगा। मैं ये दृढ़ संकल्प से आऊं कि भोले बाबा की नगरी को साफ करा के रहूंगा। ये उनका मुख्य द्वार है तो ये होके रहेगा। इसके लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अब सोच रहे, इसके लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मेरा दृढ़ संकल्प कितना मजबूत है। ये प्रथम द्वार है काशी का, ये भोले बाबा का दरवाजा है, इसको मैं साफ करके ही दम लूंगा। ये मैं कसम खा के आया हूँ और मुझे अपने मरने का जरा सा भी दम नहीं है। मैं मरूंगा, मेरे परिवार को इतनी धनराशि मिल जाएगी तो जी खा लेंगे। आप अपने बारे में सोचो, पुलिस से उलझने वालों। बुलंदशहर के थाना नरोरा क्षेत्र के टोल प्लाजा में रोडवेज बस धीमी हुई। इस दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा बाइक सवार बस से भिड़ गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीसीटीवी वीडियो देखने से पता चल रहा है कि एक सरकारी बस टोल प्लाजा पे आकर रुकी। पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल से आ रहा था। उजाला है, दिन का समय है और लापरवाही पूर्ण तरीके से मोटरसाइकिल चला रहा था। संभवतः उसकी मनोदशा अच्छी नहीं रही होगी कि सामने की बस उसको नहीं दिखाई पड़ी और उसी रफ्तार में पीछे से आ करके खड़ी हुई बस में टकरा गया, जिससे हेड इंजरी हुई और उसकी मृत्यु। बुलंदशहर डीएम ने ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया। डीएम ने सतीश यादव, अरविंद कुमार, शूटिंग खिलाड़ी मेराज अहमद खान को 50,000 रुपए का चेक, ट्रॉफी और शॉल देकर सम्मानित किया। खिलाड़ियों के परिवार वालों को भी सम्मान समारोह में आमंत्रित किया गया था। जो हमारे तीन सरताज हैं जनपद के नाम गौरव करने वाले तीन हमारे खिलाड़ी हैं, इनका सम्मान मैं चाहूँगा कि आप इनसे इनका रिएक्शन लें कि इन्हें कैसा फील हो रहा है, इनके पेरेंट्स को कैसा फील हो रहा है और पूरे जिला प्रशासन की तरफ से मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और मुझे आशा है कि आने वाले भविष्य में ये जनपद को अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पदक जरूर दिया।